हेलो फ्रेंड्स, असम रेसिपी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। आलू के पराठे तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। वैसे अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है तो सभी के घरों में जो है आलू के पराठे तो बनते ही बनते हैं। तो आज हम बिल्कुल गांव के तरीके से बनाएंगे आलू का पराठा, एकदम नरम और फूला फूला आलू का पराठा। तो आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। सभी चीज़ों को काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 केजी आलू को उबाल करके ले लिया। अब हम इससे किसी चम्मच या हाथ की सहायता से आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू के पराठे में खाने के लिए हम एक सिंपल सी टमाटर की चटनी को बनाएंगे। यह टमाटर की चटनी 10 मिनट में झटपट बन करके तैयार हो जाती है। आप इसे किसी भी पूरी पराठे में खा सकते हैं, यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टमाटर, 3 सूखी लाल मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। आप यहीं पे 5 से 6 लहसुन की कली को भी छील करके ले सकते हैं। तो किसी बर्तन में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम टमाटर में बीच से थोड़ा सा कट लगा लेंगे। तो आप इस तरीके से जो है टमाटर में बीच से कट लगा दें और पानी में डाल देंगे। इसी तरह हम सारे टमाटर को कट लगा करके पानी में डाल देंगे। साथ ही हम 3 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कली को भी छील करके डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। गैस का फ्लेम धीमी कर दें। तो 10 मिनट उबालने के बाद टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ टमाटर जो है ठंडा हो गया है तो अब हम ऊपर से छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद सभी चीज़ों को जो है ग्राइंडर में डालेंगे। साथ ही हम यहाँ पर 1/2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच सरसों का तेल डाल करके सभी चीज़ों को पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी को पीस लिया है। तो टमाटर की खट्टी वाली चटनी बन करके तैयार है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक और हरी मिर्च को भी काट लिया है। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप जो भी तेल खाते हो आप उसमें आलू का मसाला बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन गांव में जो है सरसों के तेल में ही बनाया जाता है तो मैंने सरसों के तेल का ही यूज किया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे और अजवाइन को 1 सेकेंड के लिए चटकने देंगे। जब अजवाइन चटक जाएगा तो यहीं पे हम कटा हुआ हरा मिर्च और अदरक डाल देंगे और उसे कुछ सेकेंड के लिए भुनेंगे। अदरक और हरी मिर्च भुन जाने के बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज जो है हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो यहीं पे हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल करके मसाला को चलाएंगे ताकि मसाला नीचे तले में ना लगे। साथ ही हम यहाँ पर 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आप चाट मसाला की जगह आमचूर का भी पाउडर डाल सकते हैं।
चाट मसाला डालने से आलू जो है वो थोड़ा चटपटा बन करके तैयार होगा, और साथ ही हम एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब मसाले को हम इसी तरह चलाते हुए 10 मिनट भून लेंगे। तो 10 मिनट भूनने के बाद मसाला जो है वो भून करके तैयार हो गया, तो अब हम इसमें मैश किए हुए आलू को डाल देंगे। अब हम आलू और मसाले को जो है मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू और मसाला को जो है अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए इसी तरह आलू को बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। 10 मिनट इसी तरह धीमी आंच पर आलू को भूनने से आलू जो है थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो पराठा भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा पराठा जो है फूला फूला बन करके तैयार होगा। 10 मिनट आलू को भून लेने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया, अब आलू में इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आलू का मसाला जो है अच्छी तरह से बन कर के तैयार हो गया है, तो हम अब आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तो हम यहाँ एक बर्तन में 2 कप आटा लेंगे और छन्नी से छान लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाला है, आप नमक अपने हिसाब से डाल लें। अब हम नमक को आटे में मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम एक टाइट डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो आटा गूंथ करके तैयार है गया है, तो अब हम इसकी लोई बना लेंगे। अब हम एक लोई लेकर के और हथेलियों से घुमाते हुए गोल बना लेंगे। तो लोई बनाने के बाद हम इसे सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसी तरीके से घुमाते घुमाते हम इसे गोल शेप का बना लेंगे। अब हम इसमें जो है आलू का मसाला भरेंगे। और इसे इसी तरीके से दबाते हुए हम ऊपर तक इसे इसी तरीके से करते हुए पैक कर लेंगे। और इसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर हल्का दबा देंगे। अब हम दूसरी लोई को भी इसी तरीके से बना लेंगे। लोई बनाने के बाद हम इसे आटा में डस्ट करेंगे और इसी तरह घुमाते हुए हम इसे इस तरीके से बना लेंगे। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग को भरने के बाद इसे भी जो है हम इसी तरह दबाते हुए ऊपर तक पैक कर लेंगे। अगर आपको मेरी आलू के पराठा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है। तो मैंने दूसरा लोई को भी बना करके तैयार कर लिया है। तो अब मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सारे पराठे को भर लें। तो हम एक लोई को लेकर के आटा में डस्ट करके और उसे इस तरीके से बेल लेंगे। अब हम इसमें बीच में आलू का फिलिंग डालेंगे।
और चारों तरफ से जो है हम इस तरीके से इसे मोड़ते हुए पैक कर लेंगे। इसे हल्के हाथों से जो है दबा देंगे। अब हम इसे फिर से आटा में डस्ट करेंगे और हल्के हाथों से जो है पराठे को बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पराठा जो है बेल लिया है, तो अब हम इसे सेकने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। जब तवा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पराठे डालेंगे। दो मिनट सिकने के बाद हम इसे पलट देंगे और अब हम इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगाएंगे। आप पराठे को घी या बटर कोई भी ऑयल में बना सकते हैं जो आप खाते हो। गांव में जो है सरसों के तेल में पराठा बनाया जाता है, तो मैंने सरसों के तेल में ही पराठा बनाया है। तो सरसों के तेल के जो है थोड़ा थोड़ा लेकर के हम दोनों तरफ लगा देंगे और इसे धीमी आंच पर जो है दोनों तरफ पलट पलट करके सेक लेंगे। तो यहाँ पराठा बनाकर बन के तैयार है, तो हम दूसरे पराठा को भी इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप एक बार इस तरीके से जो है अपने घर में आलू का पराठा बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दूसरे पराठे को भी जो है मैंने सेक लिया है, तो हम इसी तरह से सारे पराठे को बना करके तैयार कर लेंगे। तो आलू का पराठा जो है बन करके तैयार है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।